हेलो लविंग स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश कुमार। मुकेश सर की क्लास में आपका स्वागत है। 24 फरवरी को 12th का इंग्लिश का पेपर है और सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम आपके लिए सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। जो हमने कितने क्वेश्चन लिए हैं, 12 क्वेश्चन। तो 12 क्वेश्चन आपके प्रोज के हैं। प्रोज में शॉर्ट आंसर, जो आपको 4+4 8 नंबर के क्वेश्चन आंसर आएंगे। तो 24 नंबर पक्के का मतलब ये है कि जो आपका लिटरेचर पार्ट्स है, जैसे कि प्रोज में शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सप्लीमेंट्री में शॉर्ट आंसर, सप्लीमेंट्री में लॉन्ग आंसर, पोएट्री में आपको सेंट्रल आइडिया, तो ये कुल मिलाकर के 34 नंबर, 34 नंबर पक्के होने वाले हैं। और पहले मीट मतलब पहले पार्ट्स, जो पार्ट्स वन लिया हमने, क्योंकि पार्ट्स वन में केवल प्रोज के ही क्वेश्चन हमने लिए हैं। जो प्रोज के क्वेश्चन है वो हमको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप इनके माध्यम से याद कर सकते हैं। यदि आप इन क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो आपके 8 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, इन्हें एक्सप्लेन करते हैं क्वेश्चनों को। पहला है फर्स्ट लेसन, द लास्ट लेसन। ये लिखा है अल्फोंसे डोटिट ने। फर्स्ट क्वेश्चन ये इसका कि व्हाई वाज फ्रांस इन ग्रेट फियर व्हेन ही स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी कि फ्रांस जो था उसे बड़ा डर क्यों था, उसे डर क्यों लग रहा था जब उसने स्कूल जाने के लिए शुरू किया। क्योंकि जो एम हैमल उसके टीचर थे, उन्होंने उसे पार्टिसिपल पर क्वेश्चन याद करने के लिए दिए थे, लेकिन फ्रांस के पहला शब्द भी याद नहीं था, इसलिए उनके डांटे जाने की वजह से वो घबरा रहा था और बड़े बड़े संकट में था और वो डर रहा था। तो आप इसके क्वेश्चन का मतलब आंसर लर्न कर सकते हैं इस प्रकार। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज एम हैमल से अबाउट द फ्रांस लैंग्वेज, कि एम हैमल जो थे जो फ्रांस लैंग्वेज के बारे में क्या बताते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जो फ्रांस की जो लैंग्वेज है वो इट इज वेरी मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, और ये लॉजिकल है, तार्किक है, और ये क्लियरेस्ट है। तो हमें अपनी भाषा की सहायता करनी चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए और हमें उसे कभी भूलना नहीं चाहिए। तो उसके बारे में उन्होंने ये एक्सप्लेन किया था एम हैमल ने। थर्ड क्वेश्चन है इसका कि व्हाई डिड फ्रांस फ्रेज, मतलब फ्रेज वो क्यों प्रशंसा करता है फ्रांस करेज साहस की ऑफ हैमल की, यानी कि जो फ्रांस स्टूडेंट्स था वो अपने टीचर हैमल की क्यों प्रशंसा करता है। वो इसलिए प्रशंसा करता है कि जब वो क्लास में वो एंट्री करता है तो तब उसे फ्रांस को पता चलता है कि आज हमारे टीचर का लास्ट दिन है। तो उन्हें स्कूल छोड़ करके, जो उनका बाग बगीचा, जो उन्होंने पेड़ पौधे लगाए थे, अपने देश को छोड़ करके उन्हें जाना होगा, और जाने के लिए वो तत्पर थे, तैयार थे, क्योंकि उनका लास्ट लेसन था। लेकिन लास्ट लेसन होने के बावजूद भी वो अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उनकी प्रशंसा कर रहा था कि देखिए आज उनका लास्ट दिन है, फिर भी हमें वो लेसन इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, तो इसलिए उनकी प्रशंसा करता है। अब आता फर्स्ट लेसन के आपके थर्ड आपके शॉर्ट आंसर हो गए, इन्हें लर्न कर लेना। फिर आता है सेकेंड लेसन आपका, द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज, यानी कि जो बसंत ऋतु था, बसंत ऋतु की कहानी है, जो खो गया था, ओ पिस्टोलन चाइल्डहुड, जो उनका बचपन खो गया था, उस खोरे के बारे में बताया गया। किसने बताया है? अनीस जंग, जो हमारी लेखिका हैं, इन्होंने बताया है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ गार्बेज फॉर चिल्ड्रन, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, यानी कि गार्बेज का क्या मतलब है बच्चों के लिए और वे बच्चे उसमें से क्या पाते हैं। तो हमारी लेखिका कहती हैं कि जो उनके आस पड़ोस में जो कूड़े करकट का ढेर लगा रहता है, तो वो उसमें से सोना, यानी कि सोना जब उनके 1-2 रुपया मिल जाता है, 10 रुपीज मिल जाती है, तो उनके सोने के बराबर होती है कि हमें एक सोना में सिक्का मिल गया, तो वो उसमें से सोना ढूंढते थे। तो उन्हें लगा कि जो उनका जो कार्य है, जो उनका जो आश्चर्य है, सब कुछ इस कूड़े के ढेर में लिपटा हुआ है, तो ये उनके लिए एक्सप्लेन करती है। फिर उसके बाद में व्हाट एक्सप्लेन डज द अथर, जो लेखिका हमारी क्या एक्सप्लेन करती है, ओपर फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए नॉट वियरिंग फुट वियर, जो नंगे पैर रहते हैं। जब लेखिका अपने देश में सड़कों पर भ्रमण कर रही थी तो उन्हें कुछ बच्चे नंगे पैर दिखाई दिए, जब उनके चप्पल भी नहीं थे, तो
लेखिका ने कहा कि इनके पास पैसों की कमी नहीं है, ये तो केवल अपना इनका ऐसा एक रहने का रवैया है जो ये नंगे पैर रहते हैं, पैसों की कमी नहीं है, तो उनके बारे में वो एक्सप्लेन कर रही है। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था एंड व्हाट वाज हिज एम्बिशन, और उसकी क्या इच्छाएं थी। तो मुकेश जो था एक गरीब परिवार से था, जो बैंगल्स बेकर थे जो चूड़ी बनाने वाले होते हैं उनका बेटा था, तो गरीब परिवार से था, लेकिन उसकी जो इच्छाएं थी वो उनसे अपने परिवार से बिल्कुल डिफरेंट थी। क्यों? क्योंकि उसकी इच्छा थी कि मैं मोटर मैकेनिक बनूं, मैं स्वयं का मालिक बनूं। इसलिए उसकी जो सोच थी, उसके जो माइंड में चल रहा था जो सपना था, तो सपना वो अपने को साकार करना चाहता था, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, वो बैंगल्स मेकर नहीं बनना चाहता था। फिर उसके बाद थर्ड लेसन स्टार्ट होता हमारा। तो हमने तीन क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आपको सेकंड लेसन में से लिए हैं, अब आता आपका थर्ड लेसन, डीप वाटर यानी कि गहरा पानी, ये लिखा है विलियम डगलस। तो डगलस ने अपने ऊपर ये कहानी रची है कि जब वो छोटे थे तो वो डरते थे पानी से, क्योंकि जब एक बार वो अपने पिता के साथ जो घूमने के लिए गए थे तो जब समुद्र की लहरों ने जो उन्हें चपेट में ले लिया तो वो डर गए थे, तो वो पानी से बहुत भय खाने लगे। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर विलियम ने बिगिन डगलस ट्रेनिंग इन स्विमिंग। जब डगलस मतलब ट्रेनिंग के लिए स्विमिंग तैरने के लिए जब गए, तो जो प्रशिक्षक थे, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक, सिखाने वाले, तो उन्होंने क्या काम किया, पहले उसके बेल्ट बांधी, बेल्ट बांध करके उस बेल्ट में रस्सी बांधी, रस्सी बांध के एक गलारी ऊपर से फिट की और उन्होंने कहा कि आप जाकर जो है तैरना स्टार्ट करिए। तो जैसे ही वो तैरना स्टार्ट करते हैं, जैसे लगता है कि वो धीरे नीचे जा रहे, तो वो ऊपर को खींच लेते थे। तो इस प्रकार वो क्या दे रहे थे, वो ट्रेनिंग दे रहे थे, कौन, उनके प्रशिक्षक, शिक्षक जो थे जो ट्रेनिंग दे रहे थे उसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाउ डिड डगलस मेक श्योर, डगलस को कैसे विश्वास हो गया दैट की ही कॉन्क्वर्ड कहते विजय प्राप्त करना, द ओप ओल्ड टेरर कहते पुराने आतंक से। तो जब उन्हें कैसे विश्वास हुआ, जब विलियम सी डगलस एक वेंट बर्ग एक झील थी वहां पर वो गए, उन्होंने वहां डुबकी मारी, डुबकी मार के जैसे वो तक, जब उनके प्रशिक्षक से कई तरीके से उन्हें सिखाया गया तैरना, तो वो कभी इधर को कभी इधर ऐसे इस प्रकार वो तैरते रहे, तो धीरे धीरे जो है उनका जो डर था वो निकलना शुरू हो गया। उसके बाद ग्लेसबर्ग एक नदी है, तो ग्लेसबर्ग नदी में जाते हैं, उसके बाद वहां पर डुबकी मारते हैं और वहां भी तैरते हैं, तो वहां पर लगभग एक दो बार इधर से इधर जाते हैं, तो उनका में पूर्ण विश्वास हो गया, पूर्ण कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं अब पूरी तरह अच्छे से तैराक बन चुका हूं। तो वो उनके लिए जो पुराना डर था वो उनके मन से निकल गया। फिर उसके बाद में नंबर फोर लेसन, तो थर्ड लेसन के हमने टू क्वेश्चन लिए हैं आपके, अब आता आपका फोर लेसन, द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप का मतलब होता है चूहेदान, जो चूहेदान थे, तो उसमें लिखा है सेल्मा लोगरलोफ ने, जो सेल्मा हमारी लेखिका है, उन्होंने एक पैडलर के बारे में लिखा है, एक पैडलर मतलब चूहेदान के बारे में बताया कि वो कैसा था। देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन हमने दो क्वेश्चन लिए इसमें, पहला क्वेश्चन है हु वाज द रेड ट्रैप सेलर, जो चूहेदान जो सेलर वाला था वो कौन था, हाउ डिड ही मेक देम, वह उन्हें कैसे बनाता था। तो जो हमारा जो रेड ट्रैप सेलर था वे घुमंतु था, वो सड़कों पर घूमता रहता था, जब उसका मन करा तो उन्हें छोटी मोटी चोरी कर लेता था, तो चोरी करने के बाद जो थोड़े बहुत पैसे कमाता था वो उनसे अपना गुजारा करता था। फिर वो बनाता कैसे था, जैसे कि कोई बड़े फार्म होते हैं तो वहां जाता था, वहां से वो जो है थोड़े तार लाता था, वायर जिसे कहते हैं, तो वायर ला करके जब उसे खाली टाइम मिलता था तो वो धीरे धीरे जो है चूहेदान को बनाता था और वो अपने गले में डाल करके चूहेदान बेचता था। तो चूहेदान बेच करके अपने कुछ पैसे कमाता था, जब उसे लगा कि मेरे पैसे खत्म हो गए हैं तो वो छोटी मोटी चोरी कर लेता था। तो इसी प्रकार ये हो गया इसका आंसर। फिर उसके बाद देखिए सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट मेड द पैडलर थिंक, उस पैडलर ने जो पैडलर था जो घुमंतु था जो रेड ट्रैप था, उसने क्या सोचा कि He had indeed fallen into a rat trap, कि वास्तव में वो एक चूहेदान में फंस गया है। कैसे सोचा, जब एक क्रॉप्टर था जो किसान था उसने उसके वहां से 30 कॉर्नर चुरा लिए थे, तो जब चुराने के बाद वो वहां से जा रहा था
तो उसने सोचा कि अगर मैं सड़क पर जाता हूँ तो सड़क पर जाने के बाद मुझे जो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो वो जंगल के रास्ते से निकल जाता है। तो जब जंगल में जाता तो जंगल में जाकर के पूरी तरह फंस जाता है, लेकिन वहां से वो निकल नहीं पाता। और उसने सोचा कि जैसे जंगल में मैं घिर चुका हूं, मैं भी एक चूहेदान की भांति हूं, जैसे कि संसार भी एक चूहेदान में फंसा हुआ है, तो इसी प्रकार वो फिर पकड़ा जाता है। ये इसका आंसर था। फिर देखिए आगे, हमने इसमें दो क्वेश्चन लिए हैं आपके। अब आता आपका लास्ट क्वेश्चन, इंडिगो। इंडिगो मतलब होता है नील, जिसमें नील की खेती किया करते थे, जो अंग्रेज लोगों ने भारत के लोगों से नील की खेती करवाई थी। तो ये लुईस फिशर ने लिखा है। तो इसमें क्या है कि हाउ डिड व्हेन वाज गांधी रिसीव्ड एट द मुजफ्फरपुर स्टेशन। ऐसा था जब मुजफ्फरपुर स्टेशन पर गांधी जी पहुंचे तो उनका जो रिसीव, जो मतलब उन्हें स्वागत किया गया था, वो 15 अगस्त 1970 में उनका रात्रि के समय उनका स्वागत किया गया। और जो जेपी कृपलानी थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स, विशाल स्टूडेंट्सों के साथ वहां पर गांधी जी का स्वागत किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड गांधी जी एक्सक्लेम्ड द बैटल ऑफ चंपारण इज वोन। तो गांधी जी ने कैसे एक्सप्लेन कर दिया कि हमने चंपारण पर विजय प्राप्त कर ली है। तो उन्होंने कैसे एक्सप्लेन कर दिया, उन्होंने कहा, जब वकीलों ने कहा कि सर हम आपके साथ हैं, अगर आप जेल जाओगे तो हम भी जेल जाएंगे, तो कारागार में जाने के लिए वकील सहमत हो गए, तो गांधी जी ने सोचा अगर वकील हमारे साथ हो गए तो अब हमें चंपारण से विजय प्राप्त करने पर कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए उन्होंने चिल्लाकर कह दिया कि चंपारण पर विजय प्राप्त पक्की है। तो ये आपके आंसर हुए, आपके 12 क्वेश्चन हो गए। आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना। और मैं समझता हूं कि 8 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं, यदि आप इन क्वेश्चनों के आंसर याद कर लेते हैं। तो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था। अब सेकंड पार्ट पर फिर प्रस्तुत होंगे, इसलिए जब तक के लिए अब हम आपसे अलविदा लेते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।